इसे इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना गया था। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुनियादी ढांचा विकास की इस परियोजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पूर्वी एशिया से यूरोप, अफ्रीका और लातिन अमेरिका तक विकास और निवेश की बड़ी परियोजनाओं की एक पूरी श्रृंखला पर काम किया जाना है। चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये प्रमुख रणनीति है, लेकिन आलोचकों की राय इससे अलग है। उन्हें लगता है कि चीन कर्ज देने की कूटनीति का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों पर अपने असर को बढ़ाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो परियोजना जिसका मकसद प्रोडक्ट, पूंजी और टेक्नोलॉजी के वैश्विक प्रवाह के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, अचानक कोरोना महामारी के कारण रुक गई है। चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वाले बहुत से देश अब कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और इनमें से कई देशों ने एक एक करके चीन को बता दिया है कि वे कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं हैं। क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी न्यू सिल्क रोड परियोजना का अंत है, या फिर कोरोना महामारी महज एक बाधा है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ चीन भी उबर जाएगा? वन बेल्ट वन रोड परियोजना। साल 2013 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत के बाद से चीन ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया, यूरोप और लातिन अमेरिका के 138 देशों को पावर प्लांट्स, गैस पाइपलाइंस, बंदरगाह, हवाई अड्डे बनाने और रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ डॉलर की रकम कर्ज या मदद के तौर पर दिया है, या फिर देने का वादा कर रखा है। हालांकि चीन ने आज तक इस न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च के बारे में कभी भी पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई है, लेकिन अमरीकी कंसल्टेंसी फर्म RWR एडवाइजर के अनुसार चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भाग लेने वाले देशों को 461 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। इनमें ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं, उन्हें बेहद जोखिम वाले कर्जदारों में गिना जाता है। BBC की चीनी सेवा के संपादक होवार्ड झांग कहते हैं, शुरुआत से ही इस परियोजना के खिलाफ चीन में चौतरफा आलोचना होती रही है। दरअसल चीन के सत्तारूढ़ नेतृत्व में इस परियोजना को लेकर कभी सहमति थी ही नहीं। बहुत से लोगों ने शी जिनपिंग की रणनीतिक समझदारी पर सवाल उठाए, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक गैर जरूरी खर्च है। पश्चिमी देशों, खासकर अमरीका ने भी वन बेल्ट वन रोड परियोजना की आलोचना करते हुए कहा था कि चीन कर्ज देने की अपनी आक्रामक रणनीति कमजोर देशों पर आजमा रहा है। चीन का धर्म संकट। लेकिन सिक्के के हमेशा ही दो पहलू होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के SOAS यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज चाइना इंस्टीट्यूट की रिसर्चर लॉरेन जॉनस्टन मानती हैं कि न्यू सिल्क रोड के ज्यादातर सौदे दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद रहे हैं। वो सरकारें जिन्हें अपने नौजवानों के विकास के लिए या तो नई परियोजनाओं की जरूरत थी या फिर इसके लिए पैसा चाहिए था, भले ही ये चीन से कर्ज लेने की कीमत पर क्यों ना हो, इससे होने वाले फायदों का पलड़ा इसके जोखिम के सामने झुक गया, क्योंकि गरीब देश किस तरह खुद की गरीबी से निजात पा सकता है। अब ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि COVID-19 की महामारी के कारण पाकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका समेत कई अफ्रीकी देशों ने इस साल कर्ज चुका पाने में असमर्थता जताई है। उन्होंने चीन से कर्ज की शर्तों में बदलाव, किश्त अदायगी के लिए मोहलत या फिर कर्ज माफी मांगी है। इन हालात की वजह से चीन धर्म संकट की स्थिति में पड़ गया है। अगर वो कर्ज की शर्तों में बदलाव करता है या फिर कर्ज माफी दे देता है, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और मुमकिन है कि महामारी की आर्थिक चोट का सामना कर रही चीनी जनता की तरफ से भी नकारात्मक प्रतिक्रिया आए। दूसरी तरफ चीन अगर अपने कर्जदारों पर भुगतान के लिए दबाव डालता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये आलोचनाएं उस तबके की तरफ से ज्यादा आएगी जो पहले से न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट को कर्ज का मकड़जाल बता रहे थे। अनिश्चितता का माहौल। इसी अप्रैल में G20 देशों के समूह ने 73 देशों को कर्ज चुकाने से साल 2020 के आखिर तक की राहत देने का ऐलान किया था। चीन भी इस ग्रुप 20 देशों का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि कर्ज अदायगी में दी गई इस मोहलत के खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या लोन डिफॉल्ट्स ऐसी चीज बन गई है जिसे अब टाला नहीं जा सकता है? लॉरेन जॉनस्टन कहती हैं, ये मालूम नहीं कि किस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसके पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कहती कि कर्ज का भुगतान करना इन देशों के लिए आसान होगा, लेकिन आज जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल है, उसमें 7 महीने बाद क्या होगा कहना बेहद जोखिम का काम है।
लॉरेन जॉनस्टन नहीं मानती कि चीन इन कर्जों को माफ कर देगा। वो कहती हैं कि दान देना चीनी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन चीन की सरकार के एक सलाहकार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर फाइनेंशियल टाइम्स अखबार से कहा कि उनका देश कर्ज के ब्याज के भुगतान में राहत देने का विकल्प चुनने जा रहा है और कुछ देशों को दिए गए कर्ज की शर्तों पर बदलाव की इजाज़त दी जा सकती है। इस सलाहकार ने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को बताया था कि स्थायी रूप से कर्ज माफी आखिरी विकल्प होगा। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर। चीन के लिए ये हालात ऐसे दौर में बन गए हैं जब उसे वुहान से शुरू हुई कोरोना महामारी के लिए उससे जवाब मांगा जा रहा है और ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उसने महामारी को ठीक से हैंडल नहीं किया। इतना ही नहीं, चीन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिल रही ट्रेड वॉर की धमकियों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और बीबीसी की चीनी सेवा के संपादक हॉवर्ड चांग ध्यान दिलाते हैं कि इन हालात में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन वन बेल्ट वन रोड परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी अहम आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। इस बात की संभावना कम ही है कि वे फिलहाल इस परियोजना से किनारा करने जा रहे हैं। रणनीति में बदलाव। इस परियोजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों में पारदर्शिता की कमी और वास्तविक फायदे को लेकर चीन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से साल 2019 में शी जिनपिंग ने नई रूपरेखा के साथ न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आधिकारिक पारदर्शिता का वादा करते हुए कहा था कि अब परियोजनाएं कॉन्ट्रैक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तय किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण इनमें से कई परियोजनाएं रुक गई हैं, क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन और क्वारंटीन को लेकर दिशा निर्देश लागू हैं। दुनिया जिस तरह से आर्थिक संकट का सामना कर रही है, आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के कोई नतीजे शायद ही सामने आए, जिससे कि चीन को अपने निवेश का वाजिब ठहराने में सहूलियत हो। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी की चीनी सेवा के संपादक हॉवर्ड चांग कहते हैं कि महामारी की वजह से चीन अपनी रणनीति बदल सकता है और अधिक कामयाब परियोजनाओं पर अपना फोकस बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं कि चीन कुछ परियोजनाओं से आहिस्ता आहिस्ता कदम वापस खींच रहा है और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।